कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। रात 3:30 बजे उनका निधन हुआ है। एक महीना पहले वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ये बड़ी जानकारी जो अब तक सामने आई है। देखिए, अहमद पटेल सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे, वरिष्ठ नेता भी थे अहमद पटेल कांग्रेस के, और माना यह जाता है कि सबसे विश्वसनीय चेहरों में से एक थे ये गांधी परिवार के। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल जिन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि उनके पिता का रात 3:30 बजे देहांत हो गया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। ये बड़ी जानकारी जो अब तक सामने आई है। आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बेटे फैजल से फोन पर बातचीत की है, राहुल गांधी ने भी फोन पर बातचीत की है और ट्वीट करके भी शोक जताया है और साथ ही उनको नमन किया है। आपको बताएं कि राहुल गांधी ने अहमद पटेल के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि बहुत बड़ी क्षति न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि पूरे देश के लिए है। एक विश्वसनीय चेहरों में से एक थे अहमद पटेल, जिन्होंने रात 3:30 बजे आखिरी सांस ली। दिग्विजय सिंह ने भी आपको बताया कि ट्वीट करके उनको नमन किया और कहा कि अल्लाह अपने चरणों में उनको स्थान दे, अहमद भाई अमर रहें, यह भी कहना है दिग्विजय सिंह का। और साथ ही आपको बताएं, उन्होंने भी यहां पर कहा है कि सबसे विश्वसनीय चेहरों में से एक अहमद पटेल, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है, जो सुबह उनके बेटे फैजल से उन्होंने बातचीत की थी, जिसके बाद उन्होंने ये ट्वीट जारी किया है और श्रद्धांजलि दी है, नमन किया है अहमद पटेल को। आपको बताएं कि आज 3:30 बजे अहमद पटेल का निधन हो गया था, जिसके बाद जो ट्वीट का सिलसिला है वो लगातार जारी है। राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सभी बड़े नेताओं ने, दिग्गज चेहरों ने अहमद पटेल को श्रद्धांजलि दी है, अहमद पटेल को निधन उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत।